वेलकम टू पांडे जी क्लासेस। टुडे इज एसएसटी पेपर ऑफ 10th क्लास। आज सीबीएसई का 10th क्लास का पेपर हो गया है, तो आज इसका एमसीक्यू पोर्शन को सोल्व करते हैं। देखिए गाइस, पेपर बहुत ही आसान था। अब हम सोल्व करते हैं पेपर को। एसएसआर रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है इंडिया हैज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। रीजन कह रहा है इट इज बिकॉज द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में डाइवर्सिटी ही तो है जिसके कारण मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, राइट। इंडिया की पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी की वजह से ही मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो डेफिनेटली एसएसएन भी ठीक है, रीजन भी सही है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसएसएन की। तो आंसर वुड बी ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, बिल्कुल है, लीगल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, लोगों की नीड के प्रति रिस्पॉन्सिव है, डेफिनेटली ट्रू है। लोगों की अपनी खुद की गवर्नमेंट है, ये भी बिल्कुल सही है। इट डज नॉट अलाउ टू रूम टू करेक्ट इस मिस्टेक, डेफिनेटली रॉन्ग है। रॉन्ग ही पूछा है कौन सा गलत है, तो आंसर वुड बी डी। सेकेंड है रीड द गिवन डेटा। डेटा आपको एवरेज मंथली इनकम का बताना है। ये आपको डेटा दे दिया है कि मंथली इनकम किसी कंट्री में एक सिटीजन की है, दूसरे सिटीजन की है, तीसरे की है, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे ऐसे बता दिए। तो इसमें आपको एवरेज इनकम निकालनी है, कंट्री ए की एवरेज इनकम निकालनी है। तो आप क्या करोगे, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से भाग कर दोगे। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से, यानी इसको जोड़ देना आप, इसको जोड़ देना, इसको ऐड करके, इसको ऐड करके, इसको ऐड करके, टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50,300। और टोटल कितने हैं, पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच कैंडिडेट हैं। तो एवरेज इनकम कितनी आ जाएगी इसकी, अगर आप इसको कट करोगे तो 10060, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी वुड बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको एवरेज इनकम ही निकालनी थी इसमें, इससे और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको एक टेबल दी है, वर्कर्स दिए हैं कौन कौन सेक्टर में काम कर रहे हैं, और बताना है कि सबसे ज़्यादा जॉब कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी सर्विस सेक्टर, राइट। तो यहाँ पे देख लेना आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करवा रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो 231 है, और ऑर्गेनाइज सिर्फ एक है, अनऑर्गेनाइज सिर्फ 231 है, सेकेंडरी में इतनी है। तो देखो आंसर, देखो प्राइमरी स्पेशली ऑर्गेनाइज, प्राइमरी सेक्टर ऑर्गेनाइज में तो सिर्फ एक ही जॉब है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्टर ऑर्गेनाइज, सेकेंडरी ऑर्गेनाइज 41 है, लेकिन अनऑर्गेनाइज में यहाँ ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। टर्सरी सेक्टर स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड, टर्सरी सेक्टर स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड 40 है, यहाँ पे 41 है ज़्यादा, ये भी गलत है। प्राइमरी सेक्टर स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बिल्कुल सही है। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, राइट। 231 जॉब है, राइट, टोटल 232 है। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर आप टोटल भी देखोगे तो प्राइमरी की ही ज़्यादा है, राइट। तो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोई वर्कर है, गारमेंट इंडस्ट्री में काम करता है, वो एक्सपोर्ट गारमेंट इंडस्ट्री में जयपुर में, और उसको सारी फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, मेडिकल लीव्स वगैरह मिलती है। तो बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज ए वर्किंग, ए कहाँ काम करता है। तो डेफिनेटली अगर वो प्राइमरी सेक्टर में तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में है, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर नहीं है। ऑर्गेनाइज तो ऑर्गेनाइज है ही, क्योंकि उसको सारा हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलते हैं, मेडिकल लीव्स, जो भी अदर फैसिलिटी है, सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह की कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू करेंसी नोट्स, तो करेंसी नोट्स कौन इशू करता है, आरबीआई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आरबीआई, डी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, कारगिल फूड एक बहुत बड़ी एमएनसी है, एडिबल्स ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो किस कंट्री से बिलोंग करती है, सीधी सी बात है यूएसए से बिलोंग करती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हैज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टीमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस द मोस्ट, कह रहे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कैसे फास्ट हुआ है। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्या फूड एक्सेस बढ़ गया है, हाँ बढ़ तो गया है, कहाँ से, रो मटेरियल भी बढ़ा है डेफिनेटली, सर्विस भी बढ़ी है डेफिनेटली, एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अक्रॉस द कंट्री, ये भी है। आप देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी ये था कि
इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से ग्लोबलाइजेशन के सारे प्रोसेस हुए हैं, लेकिन इसका अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो डी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से आप इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली बाय ईमेल, जैसे हम आपको ये आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंस्टेंटली आपको मिल रहे हैं, राइट? ये क्यों है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वॉज द बेस ऑफ द ब्रिटन वुड सिस्टम? ब्रिटन वुड सिस्टम का बेस क्या था? इकोनॉमिक सिस्टम था डेफिनेटली, कोई मिलिट्री नहीं था, कल्चरल नहीं था, हिस्टोरिकल नहीं था, सिंपली इट वॉज एन इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर प्रिंटेड बाई गुटेनबर्ग? गुटेनबर्ग द मैन हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, तो इसने सबसे पहले कौन सी बुक बनाई थी? ऑब्वियसली बाइबल बुक बनाई थी, राइट? बाइबल इज द राइट आंसर, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पीजेंट मूवमेंट? बारडोली, बारडोली का नाम सुनते ही सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। Which among the following is not true about female allegory of France? कौन सा सही नहीं है female allegory? Allegory होती है कोई भी एक abstract idea, एक abstract idea, right? जो reality में exist ना करता हो लेकिन फिर भी आप उसको किसी तरह represent करते हो। तो she was named Mary, ठीक है? She took part in the French Revolution। ऐसी कैसे वो part ले सकती है जो exist ही नहीं करती है? तो definitely यही हमें अपना answer मिल गया। फिर भी आप अगर आगे चेक करना चाहो तो नेशनल यूनिटी का सिंबल था बिल्कुल, हर इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन एंड स्टाम्प बिल्कुल, तो डेफिनेटली नॉट ट्रू पूछा है तो यही सही नहीं है। चूज द करेक्टली मैच पेयर, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच है वो हम देखते हैं। प्रीमेटिव सबसिस्टेंस लार्ज स्केल पे होती है? नहीं भाई, प्रीमेटिव बहुत छोटे स्केल पे होती है, लार्ज स्केल पे नहीं होती है। इनफैक्ट आप देखो तो कॉमर्शियल फार्मिंग है वो लार्ज स्केल पे होती है। इंटेंसिव भी नहीं होगी क्योंकि इंटेंसिव है उसमें ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव ये गलत है, इंटेंसिव ये भी गलत है। कमर्शियल फार्मिंग हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यूज होता है लेकिन ये इंटेंसिव में ज़्यादा होता है। प्लांटेशन फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ठीक है, प्लांटेशन छोटे स्केल पे करी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक ही है कि इसमें सिंगल क्रॉप ही हम उगाते हैं। क्या उगाते हैं? प्लांटेशन में सिंगल क्रॉप ही उगाते हैं, राइट? तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। कमर्शियल फार्मिंग में इनपुट हाई डोज ऑफ डालते हैं लेकिन ये इंटेंसिव का हो जाएगा, तो इसका आंसर वुड बी डी। व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? वेरी इजी क्वेश्चन, 1972 इज द राइट आंसर। मेन रीजन क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो यहाँ पे मेन रीजन है माइनिंग, राइट? ओवर इरिगेशन पंजाब और हरियाणा में है इशू, माइनिंग इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका? श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? सिन्हाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल? क्वासी फेडरल है ये किसने कहा था? नहीं पता हो तो बता देता हूँ, केसी वेरे इज द मैन हु सेड इंडिया इज ए क्वासी फेडरल। तो इसमें क्या बताया कि इंडिया कौन सी क्वासी फेडरल, देखते हैं। मोर स्टेट विद द सेंटर, मोर पावर विद द सेंटर, बिल्कुल सही है। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट विद द सेंटर, ये भी सही है। इक्वल सब्जेक्ट नहीं, इक्वल सब्जेक्ट नहीं है, यूनियन लिस्ट में ज़्यादा मैटर है एज कम्पेयर टू स्टेट लिस्ट, राइट? करेंसी एंड रेलवे विद सेंटर, बिल्कुल दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं, तो ये सही है। इसमें एक दो और चार, एक दो और चार बी वुड बी राइट आंसर। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 15 कि आप रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अस टू प्रैक्टिस प्रोफेगेस प्रैक्टिस एनी रिलीजन नॉट टू फेलो, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको बिल्कुल कहता है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो, उसको चाहो तो फैलाओ और चाहो तो किसी को भी फॉलो भी मत करो, राइट? तो आपको पूरी आज़ादी है ये भी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। देखो हमारे देश का जो सेकुलर कॉनोटेशन है वो ये है कि हम
स्टेट इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस कम्युनिटी के हक में, ठीक है। बाकी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नेगेटिव है, स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। हम इंटरफेयर करते हैं क्यों, ताकि इक्वलिटी को इंश्योर किया जा सके, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। देखो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कभी अलग ही नहीं किया जा सकता, नेवर। ऐसे वैसे भी इस तरह की स्टेटमेंट गलती होती है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिलीजन को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर ए सेकुलर कंट्री, राइट। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, डी, डी सही नहीं है। ओके गाइज, सो द पेपर वॉज ओवरऑल वेरी इजी, एंड नाउ यू कैन टेल मी अबाउट योर मार्क्स, हाउ डिड यू स्कोर इन एमसीक्यू, एमसीक्यू में टोटल आपके कितने मार्क्स बने कमेंट सेक्शन में करके बताओ। ओके गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।